जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। डिफरेंस का मतलब हम जानते हैं, फर्क किसी दो चीजों में क्या डिफरेंस होता है, फर्क होता है, ठीक है, वो एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है, ठीक है, डिफरेंट है। डिफरेंस मीन डिफरेंट में आ जाता है, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं डिफरेंट है, उसे में कितने डिफरेंट फर्क है उनमें, ये आ जाता है बिटवीन दो चीजों के दरमियान, प्रोक्रियोटिक और यूकेरियोटिक सेल। अब हम यहाँ लिखते हैं, हमारे पास सेल दो तरह के होते हैं, हम यहाँ एक डायग्राम आपके सामने में एक पिक्चर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास सेल है, सेल दो तरह के हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं। हमारे पास सेल की टू टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है प्रोक्रियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरी हमारे पास है जी यूकेरियोटिक सेल, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रोक्रियोट और यूकेरियोट का क्या मतलब होता है। यूकेरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, वाई ओ यू, ठीक है। अब आपको पता है इसमें दोनों में वर्ड जो कॉमन आ रहा है वो क्रियोटिक आ रहा है, ठीक है। क्रियोटिक जो है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, दोनों में न्यूक्लियस इसका मीनिंग होगा, ठीक है, यहाँ भी न्यूक्लियस इसका मतलब है। और इसके बाद जो हमारे पास दो डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं उनके डिफरेंट मीनिंग है। प्रो का मतलब होता है फॉल्स, बिफोर मीन कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। फॉल्स का मतलब ये नहीं कि गलत न्यूक्लियस है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस है, कि डीएनए इसका अंदर डीएनए मौजूद है लेकिन वो कवरिंग में नहीं है, और वो फॉल्स मीन ट्रू न्यूक्लियस नहीं है जिसके अंदर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और यू का मतलब होता है ट्रू, तो हमारे पास जहां पर ट्रू न्यूक्लियस होगा लेकिन इधर नहीं होगा, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इन दोनों की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर वन पे हमारे पास आ जाती है, हम यहाँ साइड पे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, फिर देखेंगे इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। जैसा कि हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो है, जारी बात है, हमें पता है सेल के अंदर, हम यहाँ छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सेल के अंदर जो सेंटर में सर्कुलर सी शेप होती है जिसके अंदर डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है मेम्ब्रेन में बाउंड हुआ होता है, इस तरह की शेप होती है, और ऐसी कोई शेप जो है वो प्रोक्रियोट्स में नहीं होती, ठीक है। ये एक यूकेरियोटिक सेल है, ठीक है, ये एक यूकेरियोटिक सेल है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है। तो वो प्रोक्रियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस इसके अंदर एबसेंट है और इसमें प्रेजेंट है। हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ प्रेजेंट है, इससे हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या आती हैं, वो आती हैं जी हमारे पास के, अब इसके अंदर न्यूक्लियस तो हो गया, इसके बाद और कौन कौन सी ऐसी चीजें, ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिनके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, ठीक है, वो इसके अंदर एब्सेंट है। कोई भी ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जी सेल आता है, हमारे पास दूसरा सेल जो आता है यूकेरियोटिक सेल, इसके अंदर ये तमाम प्रेजेंट है, उनके कुछ की हम एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वो भी प्रेजेंट है, और हम ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में हमारे पास आएगी गॉल्जी अपरेटस, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं, गॉल्जी अपरेटस, और हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, सिक्रीशंस करते हैं बॉडी में, ठीक है, सॉरी सेल में। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं और भी बहुत से ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी अपरेटस और क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। यहाँ हम लिख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे ऑर्गेनेलिज हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें और क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस होता है जी साइज का, ठीक है। साइज जो है इनका फर्क है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, और जो यूकेरियोटिक सेल होते हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं, इधर हम थोड़ी सी स्पेस बना के यहाँ लिखते हैं, सॉरी इसको हम थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। साइज जो है हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और साइज जो है हमारे पास वो प्रोक्रियोटिक सेल का स्मॉल होता है, जारी बात है उसके अंदर चीजें कम है, उसका सेल भी, उसको इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा जगह की जरूरत ही नहीं है, स्मॉल साइज है। और जो यूकेरियोटिक सेल है उसके अंदर इतनी चीजें प्रेजेंट है, उसको लार्ज साइज चाहिए, ज्यादा जगह घेरता है, थोड़ा लार्ज साइज है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरा डिफरेंस, सॉरी फोर्थ डिफरेंस आता है, जो मेन डिफरेंस है इनकी सेल वॉल में, ठीक है।
सेल वॉल जो है वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन किस मटेरियल की बनी होती है, मटेरियल थोड़ा सा फर्क होता है। हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टाइड और ग्लूकोज मिलके जो एक कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो दूसरी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो बन उसमें जो प्लांट है उसमें बनी होती है सेलुलोज की, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये प्लांट में प्रेजेंट होती है, ठीक है जी, प्लांट में प्रेजेंट होती है। और जो हमारे पास फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटन की, यहाँ हम लिख लेते हैं काइटन, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, काइटन ये पाई जाती है फंजाई में, इसको यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं फंजाई, ठीक है जी। अब हम इसका आपको एक स्ट्रक्चर दिखाते हैं एनिमल और सॉरी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का, जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा जी। ये हमारे पास डायग्राम है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। जैसे आपको साइज में हमने बताया था स्मॉल होता है, इसका सेल साइज जो है स्मॉल है, ये छोटा नजर आ रहा है, काफी बड़ा सेल है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन कैरेक्टर है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। डीएनए जो होता है जेनेटिक मटीरियल है, इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मेम्ब्रेन के बगैर है, तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर मेम्ब्रेन है इसलिए यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स आ जाते हैं, ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, इसलिए इसके अंदर प्रेजेंट है। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। तो आज हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस पढ़े हैं, और उन्होंने हमने उनको लिखा भी, और हमने देखा कि ये तमाम डिफरेंसेस जो हैं ये दोनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं और इनमें क्यों फर्क किया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो उसकी एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में जो आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं, और हमारे पास जो बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के साथ हमारे पास एनिमल्स आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, एनिमल्स प्लांट्स और फंजाए, ये सारे जो बाकी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं, इन सब में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और तमाम ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं।